हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मोहम्मद रियाज, आई एम फिजिक्स फैकल्टी ऑफ एआर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, तो आज अपन चार्ज का और मास का रिलेशन देखते हैं। चार्ज मास से किस तरह रिलेटेड है, चार्ज का मास के साथ क्या रिलेशन है, वो आज अपन कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट की हेल्प के जरिए जानेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा ले, इम्पोर्टेंट्स पॉइंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहला क्या है, देखो इस वाले चैप्टर में अपन ने क्या सीखा है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट किसी पहले वाले ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो दोनों ऑब्जेक्ट या दोनों बॉडी क्या होती है, चार्ज होती है। क्या होती है, चार्ज होती है। और आपने देखा है कि एक ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव का चार्ज आता है तो दूसरे ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव का चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब वह इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लेकिन याद रखना, हमेशा पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट, हमेशा पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट का मास कम होता है और नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होता है। कैसे, आपन को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है Me, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं अपन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है, वो आपको याद रखना है, वो होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है, कितना, 9.1 × 10⁻³¹ kg है। एग्जाम्पल, जैसे अपने पास में कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक है ए दूसरा है बी, दो ऑब्जेक्ट अपने पास में, ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। अपन ने क्या किया, इन दोनों को आपस में क्या करवाया, फ्रिक्शन करवाया, इन दोनों का आपस में क्या करवाया, अपन ने फ्रिक्शन करवाया। तो दोनों का जब अपन फ्रिक्शन करवाएंगे, तो फ्रिक्शन करवाने के बाद एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो उसी वक्त दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब अपन सपोज करते हैं, सपोज अपन ने क्या किया कि जब अपन ने ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट को आपस में क्या करवाया, फ्रिक्शन करवाया, तो ऐसी सिचुएशन में ए ने कुछ इलेक्ट्रॉन, ए ऑब्जेक्ट ने कुछ इलेक्ट्रॉन बी को क्या कर दिए, डोनेट कर दिए, क्या कर दिए, डोनेट कर दिए, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, डोनेट कर दिए। अब जब ए बी को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस ए वाली बॉडी पर, इस ए ऑब्जेक्ट पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव का चार्ज आएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, डोनेट किया है। तो यहां पर मैं दो पॉजिटिव चार्ज लिखता हूं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितने गए हैं, दो गए हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, डोनेट हो गए। ठीक है, दूसरी बॉडी ने क्या किया, दूसरे ऑब्जेक्ट ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो इस पर आएगा नेगेटिव का चार्ज। ये है ए और ये है बी। अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या किसी और प्रोसेस से जब इन दोनों के मास को मेजर करोगे, जब इन दोनों के मास को क्या करोगे, मेजर करोगे, तो इस वाले ऑब्जेक्ट का मास कम होगा, जबकि इस वाले ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपको याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट का मास नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट के मास से कम होता है। अब कम क्यों हुआ, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो चुके हैं,
बढ़ चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻³¹ केजी होता है। तो जब यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स ए से बी में जाएंगे तो इस बी वाले ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, दो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, जिससे दो इलेक्ट्रॉन का मास भी बढ़ गया। जिससे क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन का मास भी बढ़ गया, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कम हो गए। तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट का मास नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट के मास से कम होता है। रीजन क्या है, रीजन यही है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं जबकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। इसलिए बी का मास ए के मास से ज्यादा होगा, यह आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो दो इलेक्ट्रॉन का मास इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, जिससे इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट का मास नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट के मास से कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻³¹ केजी। ये अपन इसको लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट के अंदर, इसको उतारे आप, तो अपन लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मतलब अपन ने यहां पर क्या देखा है कि जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट चार्ज होते हैं। अब जैसे ए वाले पे क्या हुआ, पॉजिटिव का चार्ज आया, बी वाले पे क्या हुआ, नेगेटिव का चार्ज आया। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या है, चार्ज्ड है, दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या है, चार्ज्ड है। और चार्ज ऑब्जेक्ट का मास होता है, चार्ज ऑब्जेक्ट का मास होता है, ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन होगा पक्का। चार्ज ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, हमेशा क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि मास के बगैर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, मास के बगैर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो अपन ये बात देखते हैं, मास के बगैर चार्ज का अस्तित्व नहीं है, चार्ज एग्जिट नहीं करता मास के बगैर, ठीक है। तो अपन लिखेंगे चार्ज डज नॉट एग्जिट विदाउट मास, चार्ज विदाउट मास एग्जिट नहीं करता। जहां पर मास है वहां पे चार्ज होगा, जहां पे मास नहीं है वहां पे शायद चार्ज ना हो, ठीक है। तो अपन को याद रखना है कि विदाउट मास चार्ज नहीं होता, मतलब जहां पर चार्ज है उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होगा, जहां पर चार्ज है वहां पर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट का मास होगा। तो अपन यहां पे लिखेंगे इट मींस दैट और चार्ज का मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन से है, इट मींस दैट पॉजिटिव मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट इज लेस देन मास ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट का मास कम होगा।
इसका रीजन क्या है? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर, मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। ये आपको याद रखना है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है कि चार्ज एग्जिट नहीं करता मास के बगैर। जहां पे चार्ज है वहां पे मास होगा, जहां पे चार्ज है वहां पे मास होगा। इसका एग्जांपल समझ सकते हैं अपन। जैसे आपने फोटोन का नाम सुना होगा, एग्जांपल फोटोन। अब फोटोन क्या है? फोटोन मासलेस पार्टिकल है। फोटोन क्या है? मासलेस है। मासलेस क्यों है? क्योंकि उस पर चार्ज नहीं होता। मासलेस क्यों है? उसका रीजन क्या हो जाएगा? क्योंकि वह चार्जलेस है, क्योंकि वह चार्जलेस है। इसका फोटोन का मास क्यों नहीं होता? क्योंकि उस पर चार्ज ही नहीं होता। तो मैंने क्या कहा? चार्ज डज नॉट एग्जिट विदाउट मास, मास के बगैर चार्ज एग्जिट नहीं करता। जहां पे चार्ज होगा वहां पे मास होगा। यह आपको याद रखना है। फोटोन मासलेस है। क्यों है? क्योंकि उस पर चार्ज नहीं है, वो चार्जलेस है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये क्या है? इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया जो आपको याद रखना है। इसको उठा देता हूं मैं। दूसरा पॉइंट क्या है वो आपको अभी याद रखना है कि अगर कोई स्टैटिक चार्ज है, अगर कोई स्टैटिक चार्ज है, अगर कोई स्टैटिक चार्ज है तो वह चार्ज अपने अराउंड क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। एक स्टैटिक चार्ज है तो वह अपने अराउंड क्या बनाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। जैसे एक मैग्नेट होता है ना, एन पोल एस पोल, एन पोल एस पोल का अगर आप पास में लेके आओगे तो वो एक्टेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक मैग्नेट अपने अराउंड क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वैसे ही एक स्टैटिक चार्ज क्या करता है? अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तभी तो वो चार्ज को क्या करता है? चार्ज को क्या करता है? तो एक्ट्रैक्ट करता है, या फिर चार्ज को क्या करता है? रिपेल करता है। इसको अपन कूलम्ब्स लॉ में देखेंगे। अभी आप इतना याद रखो कि स्टैटिक चार्ज अपने अराउंड क्या बनाता है? एक फील्ड बनाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक स्टैटिक चार्ज अपने अराउंड क्या बनाता है, तो क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अगर यही चार्ज क्या हो, अगर ये दूसरे में ए पॉइंट हो गया, दूसरे में बी पॉइंट क्या होगा? अगर यही चार्ज क्या करे मोशन करे और मोशन भी किससे करे? कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ में क्या करे? ये चार्ज मोशन करे। ये चार्ज क्या करे? कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ में क्या करे? मोशन करे। अब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? इसका एक्सेलरेशन जो होगा ना, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? जीरो। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। अगर कोई भी चार्ज जीरो एक्सेलरेशन से क्या करता है? मूव करता है, तब वह मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये आपको याद रखना है। ये आगे के चैप्टरों में आते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि
कि एक स्टैटिक चार्ज अपने अराउंड क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और अगर यही चार्ज क्या करे, मोशन करे, लेकिन मोशन भी कैसे, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ में अगर ये मोशन करे, एक्सीलरेशन कितना हो इसका, जीरो हो, तब यह चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। दो फील्ड बनाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको उतारे आप, दूसरे में जो सी पॉइंट होगा वो क्या है, दूसरे में जो सी पॉइंट है, अगर यही चार्ज क्या करे, मोशन करे, पहले भी चार्ज क्या कर रहा था, मोशन कर रहा था, लेकिन वह कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ में क्या कर रहा था, मोशन कर रहा था, मतलब उसके हर एक पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या थी, कॉन्स्टेंट थी, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही थी, इसलिए उसका एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। अगर यही चार्ज क्या करे, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ में मूव करे, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ में क्या करे, मूव करे, इसका मतलब अब की बार इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, नॉन जीरो होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, नॉन जीरो होगा। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ में चलता है तो एक्सीलरेशन जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब वेलोसिटी में कोई चेंज तो हो नहीं रहा, इसलिए उसका एक्सीलरेशन कितना होता है, जीरो होता है। अगर वही चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी के साथ में क्या करे, मूव करे, मतलब एक्सीलरेशन क्या हो उसका, नॉन जीरो हो, एक्सीलरेशन क्या हो, एक्सीलरेशन को ऐसे लिखते हैं, नॉन जीरो हो। तो ऐसी सिचुएशन में वह चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। वेरिएबल वेलोसिटी के साथ में क्या करे, मूव करे, उसका एक्सीलरेशन नॉन जीरो हो, तो वह चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, यह आपको याद रखना है। पहली बात क्या थी, चार्ज डज नॉट एग्जिट विदाउट मास, हर बॉडी पे चार्ज है, अगर कोई बॉडी चार्ज है तो उसका मास होगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, अगर वह चार्ज्ड है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा। पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मास कम होता है, नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास ज्यादा होता है। रीजन क्या है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है और एक इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, इसलिए उसका मास वहां से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मास कम होता है, नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास ज्यादा होता है। और इसमें मैंने क्या बोला कि अगर कोई चार्ज स्टैटिक है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अगर वही चार्ज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, अगर वही चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी के साथ में चले तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, ये आपको याद रखना है, ये आगे के चैप्टरों में आता है, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूं, दूसरी जो प्रॉपर्टी है, मतलब चार्ज का जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, तीसरा पॉइंट जो होगा उसमें आपको याद रखना है कि जो चार्ज होता है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो याद रखना आपको, चार्ज हैज मैग्नीट्यूड, हैज मैग्नीट्यूड, चार्ज का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं होती, एंड नो डायरेक्शन। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, आपने देखा है कि किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज क्या हो सकता है,
नेगेटिव हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ये भी आपको याद रखना है कि चार्ज जीरो भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। चार्ज कैन बी जीरो, चार्ज कैन बी नेगेटिव, चार्ज कैन बी पॉजिटिव। लेकिन जो मास होगा वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जो मास होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। 5 kg होता है, 10 kg होता है, 15 kg होता है, -5 kg, -10 kg, -15 kg नहीं होता, आपने सुना है। तो मास हमेशा किसमें होता है, पॉजिटिव में होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको उतार ले आप। ये इंपोर्टेंस पॉइंट्स तो आपको याद रखने हैं। स्टैटिक चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और अगर कोई चार्ज मोशन करता है, अगर कोई चार्ज क्या करता है, मोशन करता है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो वह अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अगर वह वेरिएबल वेलोसिटी के साथ में मूव करता है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, लेकिन साथ साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो आपको वो याद रखना है। अब आप हेडिंग लगाए इलेक्ट्रोस्कोप, क्या लगाए हेडिंग, इलेक्ट्रोस्कोप, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप या फिर क्या बोल सकते हो, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देखो ये एक तरह की डिवाइस है, एक तरह की क्या है, ये डिवाइस है जिससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं। एक तरह की डिवाइस है जिसमें अपन ये पता लगा सकते हैं कि वह ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है, और अगर चार्ज है तो उस पर किस प्रकार का चार्ज है, किस टाइप का चार्ज है, चार्ज का नेचर कैसा है। तो वो जो डिवाइस होती है उसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप या गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसको वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत दर्शी, विद्युत दर्शी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज ए डिवाइस बाय विच वी डिटेक्ट, जो बताती है अपन को, वी डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ चार्ज, प्रेजेंस ऑफ चार्ज, प्रेजेंस ऑफ चार्ज किस पे, किसी बॉडी पे, ऑन बॉडी, एंड नेचर ऑफ चार्ज, एंड नेचर ऑफ चार्ज आल्सो। कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है वो अपन किससे पता लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप या गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। एक तरह की डिवाइस होती है जो क्या बताती है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन बॉडी, कि बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, वह बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है, और अगर चार्ज है तो उस पर किस नेचर का चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये सारी कहानी कौन बताएगा, इलेक्ट्रोस्कोप या गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब अपन इसकी वर्किंग देखते हैं, इसकी वर्किंग कैसे, इसका डायग्राम क्या होता है, कैसे अपन को ये बताता है, ठीक है। इसका डायग्राम देख रहे हैं आप, इसका डायग्राम, ये क्या होता है, एक ग्लास जार होता है, ग्लास का क्या होता है, ये जार होता है जो ग्लास का बना होता है। देखो एक जार होता है, ऐसे एक ग्लास का जार है, ऐसे ठीक है, ग्लास का एक जार होता है, ग्लास जार बोलते हैं इसको, ये ग्लास जार है, ग्लास जार, ठीक है। और यहां पर जो होता है ना, यहां पे लगी होती है कॉर्क, क्या लगी होती है, कॉर्क, ये कॉर्क है, इसको बोलते हैं अपन
ठीक। इस ग्लास के जार में वर्टिकली, क्या वर्टिकली क्या होती है? एक रोड है। ये क्या है? एक रोड है जो मेटल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मेटल की। इसको अपन क्या बोलते हैं? मेटेलिक रोड। क्या बोलते हैं इसको अपन? मेटेलिक रोड बोलते हैं इसको। ठीक है, एक मेटेलिक रोड होती है जो वर्टिकली रखी होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मेटेलिक रोड बोलते हैं। अब इसका जो अपर एंड होता है, जो ऊपर वाला एंड है, ऊपर वाला जो सिरा है, ये वाला, इसको अपन क्या बोलते हैं? मेटेलिक डिस्क। क्या बोलते हैं इसको अपन? मेटेलिक डिस्क बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? मेटेलिक डिस्क बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या होती है? यहां पर क्या होती है? लीफ होती है, पन्निया, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पन्निया बोलते हैं। और किसकी बनी होती है ये? गोल्ड की। तो गोल्ड लीव्स। क्या ये? गोल्ड लीव्स है। ठीक है, और यहां पर क्या होता है? एक यहां पर होता है अर्थ कॉन्टेक्ट पॉइंट। क्या होता है? अर्थ कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है। ये इसका डायग्राम है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप या गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। एक तरह का ग्लास जार होता है जिसके अंदर एक मेटेलिक रोड होती है। क्या होती है? मेटेलिक रोड होती है जो क्या होती है? वर्टिकली रखी होती है। इसकी पोजिशन कैसी है? वर्टिकली है। इसके अपर एंड पर क्या होता है? मेटेलिक डिस्क होती है। और इसके लोअर एंड पर क्या होता है? दो सोने की पन्नियां होती है, दो गोल्ड लिप्स होती है। ठीक है, और यहां पर क्या होता है? अर्थ कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है। अब अपन किसी भी बॉडी का पता कैसे लगाएंगे कि वो चार्ज है या अनचार्ज है? वो इसकी सहायता से अपन पता लगाते हैं। और अगर उस पर चार्ज है तो किस टाइप का चार्ज है, नेचर ऑफ चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि इसके लिए अपन क्या करते हैं कि अपन कोई एक रोड लेके आते हैं। ठीक है, अपन क्या लेके आते हैं? एक रोड लेके आते हैं। इसके पास में माना कि वो रोड क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। वह रोड क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। जब अपन इस पॉजिटिव चार्ज रोड को क्या करवाएंगे? इससे कांटेक्ट करवाएंगे। क्या करवाएंगे? इससे कांटेक्ट करवाया मैंने इसको, मैंने क्या करवा दिया? कांटेक्ट करवा दिया। इसको स्पर्श करवाया मैंने, टच करवाया। तो आपको पता है कि कंडक्शन के मेथड कौन सा है? कंडक्शन का मेथड है ये, क्योंकि अपने इसके ऊपर क्या करवाया? टच करवाया। और कंडक्शन के मेथड में क्या होता है कि अगर एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी भी क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज होती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहां पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव का चार्ज आएगा। यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव का चार्ज आएगा। और पॉजिटिव का चार्ज ऐसे आएगा, यहाँ पे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पॉजिटिव का चार्ज। इसका डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होना। अब यहां पर आएगा, तो यहां पर आने के बाद दोनों लीव्स पर, दोनों पन्नियों पर चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव का चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? रिपल्सन का फोर्स लगता है। रिपल्सन फोर्स एक दूसरे से क्या होगी? ये दूर भागेगी। तो इनकी जो डिस्टेंस होगी बीच की, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अपन पता लगा सकते हैं, अपन पता लगा सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अपन ये पता लगा सकते हैं। तो अपन ने क्या किया? अभी अपन क्या पता लगा रहे हैं कि ये चार्ज है कि अनचार्ज है। तो अपन ने पता लगाया कि ये बॉडी चार्ज है। अभी अपन ने क्या पता लगाया कि ये बॉडी क्या है? अभी चार्ज है। क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन का फोर्स लगेगा। क्योंकि दोनों लिप्स पर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव का चार्ज आया। और पॉजिटिव के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? रिपल्सन का फोर्स लगता है। तो इसका मतलब ये बॉडी क्या है? चार्ज है। ये बॉडी क्या है? चार्ज है। इसका मतलब ये बॉडी क्या है? चार्ज है। ठीक है, तो अपन इस तरह से किसी भी बॉडी को डिटेक्ट कर सकते हैं कि वह चार्ज है या नहीं है। वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप या गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब अपन को ये पता लगाना है कि ये ऑब्जेक्ट
चार्ज तो है, लेकिन इस पर किस टाइप का चार्ज है, इस पर किस टाइप का चार्ज है? तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन क्या करते हैं, इस मेटेलिक रोड को पहले से क्या कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं। इस मेटेलिक रोड को अपन पहले से क्या कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं। अब अपन ने माना कि इसको अपन ने हटा लिया और अपने पता लगा लिया कि ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये रोड क्या है, एक चार्ज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, अब अपन को पता लगाना है, अब अपन को क्या करना है, पता लगाना है कि उस ऑब्जेक्ट पर चार्ज कौन सा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले मेटेलिक रोड को पहले से क्या कर दोगे, चार्ज कर दोगे। और पहले से ही चार्ज करने के बाद अब आप वापस से क्या करोगे, इस रोड को वापस लेके आओगे। इस रोड को आप क्या करोगे, फिर से लेके आओगे। अब फिर से लाने के बाद में क्या होगा, अब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कंडक्शन करवा रहे हो, तो कंडक्शन में क्या होता है, एक बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी पर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहां से क्या होगा, यहां से और चार्ज आएगा पॉजिटिव का, यहां से क्या होगा, और चार्ज आएगा पॉजिटिव का, जिससे ये लिप्स और भी क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, जिससे ये लिप्स क्या हो जाएगी, और भी क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी ये, जिससे अपन ये डिटेक्ट कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि उस बॉडी पर चार्ज किस टाइप का है, चार्ज किस टाइप का है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। तो पहले से इनके बीच में रिपल्सन का फोर्स लग रहा था, जैसे ही अपन ने इसको कंडक्ट करवाया, इसको टच करवाया, तो ये पत्तियां और भी फैल गई, ये पत्तियां और भी फैल गई, ये लिप्स और भी फैल गई। इसका मतलब जो बॉडी है वो कैसी है, वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से किसी भी बॉडी को डिटेक्ट कर सकते हैं कि उस पे चार्ज है या नहीं है। अगर चार्ज है तो उस पर किस टाइप का चार्ज है, चार्ज का नेचर कैसा है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप या गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल अपन चार्ज की यूनिट्स पढ़ेंगे और चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।